और दोस्तों एक बार फिर से सभी का स्वागत है टेक्निकल लो में। और यहाँ पर आज बात करने वाले हैं अप्रूवल के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में और तमाम चीजें। तो यहाँ पर इस वीडियो में पूरी चीजें क्लियर करने वाला हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहले टेक्निकल लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल के नीचे यानी कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक जरूर कर लेना, जिससे कि वीडियोस के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप YouTube पे मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। अब फ्रेंड्स यहां पर बात करते हैं फोटोग्राफी की। तो अगर आप एक इस इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हो या फिर करना चाहते हो, आपको अच्छे अच्छे लैंडस्केप, अच्छी अच्छी जगह की फोटोज कैप्चर करने की आपकी हैबिट है, तो आप उसको अपनी अर्निंग में भी चेंज कर सकते हो। बिल्कुल सच है, फैक्ट है। मगर यहाँ पर बात करें, अगर आपके पास कैमरा है यानी कि एक DSLR है, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो आपका अप्रूवल कोई रोकने वाला नहीं। अगर आपका एक फोन है तो आपका टैलेंट आपके काम में आने वाला है। यानी कि अगर आप एक सेल फोन से फोटो खींचते हो तो सबसे जरूरी है आपका टैलेंट। कैमरे से तो क्या है, DSLR से कभी भी कहीं भी कोई पिक खींची जाती है तो काफी हद तक खींचने वाला अगर थोड़ी सी सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी फोटो बन जाती है। मगर वहीं अगर फोन की बात करूं, सेल फोन की, तो बहुत बढ़िया अच्छा टैलेंट होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छी फोटोग्राफ आप कैप्चर कर सकते हो। रही बात साइज की, यहाँ पर तो साइज तो कम से कम 4 मेगापिक्सल के ऊपर का होना चाहिए, जो कि नॉर्मल फोन्स में आ रहा है। अब बात करें यहाँ पर अप्रूवल की, तो अगर अच्छा साइज है, अच्छे फोटोज कैप्चर किए आपने, अच्छे लैंडस्केप की फोटो, फूड एंड ड्रिंक्स रिलेटेड, या फिर कह लीजिए कि नेचुरल्स टाइप के फोटोज, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ के फोटोज, अगर आपको क्लोज शॉट लेना का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप फाइनली फोटोग्राफर बन चुके हो, ये समझ लो। अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, यहां पर वही शेयर करने वाला हूं आपके साथ, पूरी स्क्रीन शेयर करूंगा कि किस प्रकार अप्रूवल लिया मैंने और कैसे कैसे अप्रूवल मिलता है। मेनली जो चीजें हैं, मेन टॉपिक आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर आपके सामने रखने वाला हूं वो है टाइटल का। अब टाइटल यहां पर किस प्रकार देना है, सपोज दैट आपने कोई नेचुरल फोटो कैप्चर्ड की, अब वहां पर उस फोटो को आपने कैप्चर कर लिया, तो हमेशा हमारे कैमरे जो हैं वो अपना एक प्रेफरेंस यानी कि प्रेफरेंस नेम अपने फोटोज को दे देते हैं, DSC1 या DCIM ऐसे कुछ करके। वहीं अगर DSLR से तो DSC, ज्यादातर DSLR इसी नाम से फोटोज को सेव करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, अगर इस प्रकार आप डायरेक्टली अपलोड कर दोगे तो आपको जो अप्रूवल है वो तो मिलने वाला ही नहीं है, उस फिर तो भूल जाइए आप। आपने कोई फोटो कैप्चर की, आपने उसका एक टाइटल अपनी तरफ से दिया, यानी कि मान लीजिए कि आपने एक किसी बैल की या किसी चीज की फोटो अच्छी सी कैप्चर की और आपने उसका पूरा टाइटल दिया कि बैल वॉलपेपर, HD वॉलपेपर, ऐसा आपने टाइटल दिया। वही टाइटल आपको अपलोड करते समय वहां पर भी देना है, यानी कि शटरस्टॉक की वेबसाइट में देना है। अब यहां पर मैं अपनी बात करूं तो 18 से 19 फोटोज मैंने फर्स्ट टाइम अपलोड की, जिसमें 8 फोटो अप्रूव हुई और बाकी 9 से 10 फोटो रिजेक्शन में चली गई, अच्छी खासी क्वालिटी होने के बावजूद भी। DSLR से फोटो खींची हुई भी रिजेक्शन में चली गई, उसका रीजन था टाइटल एंड टैक्स का, जो कि मैंने बाद में जब वहां पर कैलकुलेशन किया, उन्हीं फोटोज के सही टाइटल एंड टैक्स देके दोबारा से अपलोड किए, तब जाके वो अप्रूव्ड हो गई। अब क्वालिटी तो वहां पर मेंटेन नहीं ना रखी थी, तो यही चीज आपसे शेयर करना चाहता था कि क्वालिटी के साथ साथ अपलोड करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी कि जब आप अपलोड करते हो शटरस्टॉक पे, तो 2 कैटेगरी वहां पर शो होती है, तो दोनों कैटेगरी में आपको, एक में नेचुरल दे दिया, एक में फूड एंड ड्रिंक दे दिया। सपोज दैट किसी टमाटर की या मिंट की, पुदीना जिसको कहते हैं, टोमेटो या मिंट की फोटो आपने नेचुरल कैप्चर की, अब ऊपर वाले कैटेगरी में तो आपने डाल दिया नेचुरल, और सेकंड कैटेगरी में आप फूड एंड ड्रिंक डाल सकते हो। ऐसे में सुजेशन भी साथ में ले सकते हो। टैक्स जो है वहां पर पहले टाइटल वाला मेन नाम दीजिए, उसके बाद वहां पर अपने अपने टैक्स लगाइए और फोटो को सबमिट कर दीजिए। शटरस्टॉक 10 से 15 स्टार्टिंग में फोटो सबमिट करवाता है, वहां पर आपको वो करनी है और उसके बाद में आपका अप्रूवल 3 से 4 दिन में हो जाएगा। यानी कि 3 से 4 दिन में साइट फाइनली रिव्यू ले ही लेती है कि किस प्रकार आप लाइक हो फोटोग्राफी के या नहीं हो। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक फोटोग्राफी के लिए, अच्छे अच्छे कैप्चर, अच्छे अच्छे मोमेंट को कैप्चर करो और अच्छे साइज में करो। जब आप अगर फोन से कैप्चर करें तो फोन बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, ऐसे में कैप्चर करो कि जब फोटो कोई जूम करे तो अच्छे से फोटो विदाउट पिक्सल फटे, यानी कि विदाउट कैशिंग के पूरी फोटो उनको अच्छे से दिख सके। तो और साथ में टाइटल्स एंड टैग्स का ध्यान रखो, कैटेगरीज का ध्यान रखो, फाइनली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पेमेंट की बात करें तो 21 दिन में तो डिस्प्ले होता है, उसके बाद जैसे जैसे आपके डाउनलोड्स होंगे वैसे वैसे आपकी पेमेंट्स आप ले सकते हो, $35 के ऊपर की, वो भी आपके पेपल अकाउंट में ले सकते हो, बैंक वायर के द्वारा भी ले सकते हो, सारे फंक्शंस अवेलेबल है।
और अगर दूसरी साइड्स की बात करूं 500 पिक्सल से भी मैंने ट्राई किया था, बहुत सारी फोटोज अपलोड किए मगर कुछ खास मजा नहीं आया जो शटरस्टॉक में आया। शटरस्टॉक इज द बेस्ट वेबसाइट, थोड़ी सी मेहनत थोड़े से ध्यान से अपलोडिंग करने की जरूरत है, आपको अप्रूवल फाइनली मिल जाएगा। कोई और हेल्प की जरूरत हो कमेंट जरूर कीजिए, अगर किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और समझते हैं कि किस प्रकार मैंने अपलोड किया, किस प्रकार अप्रूवल मिला और किस प्रकार अब फोटो सेल्स पे लगी हुई है, क्या टैग्स एंड क्या टाइटल है वो पूरे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ज्यादा समय लगाते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं हूं सुखपाल सिंह, हमेशा की तरह करेंगे कुछ अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और अगर बैक साइड में कोई वॉइस या नॉइस आपको सुनाई दे रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा टेक्निकल इशू हो सकता है या फिर हमारे मोहल्ले में एक ने जनरेटर चला के रखा वो बड़ी दिक्कत दे रहा है। और अब यहाँ पर मैं बात करूँ अगर यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं पेंडिंग अप्रूवल 17 और रिसेंटली रिव्यूज 18 और उसमें से 18 इमेज में से सिर्फ 8 इमेज सिलेक्ट हुई हैं जो कि पोर्टफोलियो में लग चुकी हैं सेल के लिए। अब आज मैं यहाँ पर अपलोडिंग करने का आपको तरीका बता देता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 4 अपलोडिंग, ये काफ़ी सारे फोटोज़ मैंने यहाँ पर लेके रखे हैं ऑलरेडी शॉर्ट्स, तो सपोज दैट मुझे ये एक नेचुरल शॉट मैंने लेके रखा है और इसको मुझे यहाँ पर अपलोड करना है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रीनेम करूँगा और दे देता हूँ नेचुरल शूट। ओके, अब यहाँ पर सिंपली मैंने ये अपलोड इमेज, आप फर्स्ट टाइम अगर अपलोड करोगे तो भी यहीं से ही करोगे और मिनिमम 10 से 15 पिक अपलोड करोगे तब जाके रिव्यू के लिए ये यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट फाइल कर लेता हूँ और हमने जो 4 अपलोडिंग में जिसका इमेज का रीनेम किया है, हालांकि ये सभी फोटोज मुझे अपलोड करनी है मगर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसके चलते मैं एक ही वीडियो यहाँ पर अपलोड करके आपको बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर अपनी अपलोडिंग के लिए। और जैसे ही ये अपना अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसके टैग्स एंड टाइटल्स डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद 3 से 4 दिन लगते हैं, आप एक साथ 100,000 फोटो भी अपलोड कर दो तो भी 3 से 4 दिन लगेंगे रिव्यू के लिए। और जैसे रिव्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी फ़ोटो शटरस्टॉक में सेल के लिए लग जाएगी। बात करें यहाँ पर पेमेंट की, तो पेमेंट का पूरा प्रोसीजर पेपल के द्वारा हो सकता है, अगर आपके पास पेपल अकाउंट ना हो तो वो भी आप बनाना सीख सकते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में थंबनेल दे दूंगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में कहिए तो भी मैं आपको आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा कि पेपल में अकाउंट कैसे बनाना है। सो ये वीडियो यहाँ, ये जो फोटो है ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जैसे ही ये पूरा डाउन में आ जाता है नेचुरल शॉट, और अब मैं इस पर क्लिक करके और इसके साइड के फीचर्स ओपन कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी सारे अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ दे दिया इन्होंने कि आप क्या क्या डालोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको टाइटल दे देता हूँ जो मैंने यहाँ पर दिया है नेचुरल HD फोटो, ऐसा दे देते हैं ठीक है। और उसके बाद में आपको अप्रूवल के लिए बोल रहा हूँ ये मैं, अब कैटेगरी 1 आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर नेचुरल, और कैटेगरी 2 में आप भी बैकग्राउंड या टेक्सचर दे दीजिए या आर्ट दे दीजिए, आर्ट भी देख सकते हैं क्योंकि आर्ट ये बेस्ट रहेगा क्योंकि ये आर्ट टाइप का पिक्चर था। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड देना है, तो कीवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि जैसे कि वॉलपेपर्स, वॉलपेपर, बैकग्राउंड्स, यहाँ पर ब्यूटीफुल, ओल्ड डिज़ाइन, और यहाँ पर दे सकते हैं स्टाइल, इससे मिलते जुलते आप यहाँ पर कीवर्ड्स डाल सकते हैं। चलिए सिया फोटो डाल देते हैं, सिया फोटोग्राफी, ओनली फोटोग्राफी डाल दीजिए टैग, क्योंकि फोटोग्राफी तो हमेशा डालिए फोटोग्राफी का टैग साथ में, हैं फोटोज, ऐसे ऐसे टैग डालो जो मतलब फोटो स्टूडियो जो कि आपके लगातार सर्च इंजन में बने रहें, यानी कि आप हमेशा दिखते रहें। डेस्कटॉप वॉलपेपर डाल दीजिए, इस इमेज से रिलेटेड सभी टैग आप यहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद में सिंपली यहां पर सारी चीज़ें मैच होने के बाद आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर ये अगर आप इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे टैग वो अपने हिसाब से भी ले लेगा। अब यहाँ पर सबमिट कर देते हैं और ये इमेज अब चली जाएगी यहाँ पर पेंडिंग में और 3 से 4 दिन के बाद बाकी इमेज के साथ एक साथ इसका रिव्यू हो जाएगा और डेफिनेटली श्योर है कि ये
अब जैसे मैंने यहाँ पर ये DSC का फोटो डाला है, तो मुश्किल है कि ये यहाँ पर अप्रूव हो। अब यहाँ पर जैसे ये पोटैटो का डाला है, टोमेटो का डाला है, लहसुन का डाला है, तो ये सब फोटोज़ लगभग लगभग 99% चांसेस हैं कि ये अप्रूव्ड हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही पूरी प्रक्रिया है आपकी। शटर स्टॉक पे इस प्रकार आप फोटो अपलोड कर सकते हो और 5 डे के अंदर अंदर वो पूरा रिव्यू होगा, और बाद में रिव्यू के बाद इमेज आपकी पोर्टफोलियो में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यूड कंटेंट में अगर मैं जाता हूँ तो रिव्यूड कंटेंट में आपको दिख जाएंगी कौन कौन सी फोटो अभी तक मैंने अपलोड की और वो कब तक। रिव्यू आइटम विल बी डिस्प्ले फॉर 21 डेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फोटो है ये अप्रूव्ड हुई, और ये रिजेक्शन। अब रिजेक्शन रीजन यहाँ पर देख सकते हैं, टाइटल मस्ट बी डिस्क्राइब टू सब्जेक्ट मैटर एंड मस्ट बी इन इंग्लिश। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा हिंदी में इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया, शंख डाल दिया, पूरा डिफाइन नहीं किया, तो इस वजह से ये सारे फोटोज रिजेक्ट हो गई। यहाँ पर सेम यहाँ पर भी यही गलती की मैंने। अब यहाँ पर देखिए, ये वाटरफॉल का मैंने पिक्चर लिया था और इस पे मैंने वाटरफॉल ही डाला और ये अप्रूव्ड भी हो गया। यहाँ पर मैंने मिंट का पिक्चर डाला था तो मिंट लिया, हालांकि DSC नहीं था, मगर डिस्क्रिप्शन में मैंने मिंट ही डाले पूरे इसके लोकेशन में, तो ये भी अप्रूव्ड हो गया। और उसके बाद सिंपली आपको अपने पोर्टफोलियो में ये सेल होती हुई नजर आएंगी। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे अच्छे आप लगातार फोटोज डालते रहिए, उम्मीद है आप सक्सेस जरूर होंगे। यहाँ पर 18% देखिए प्रोफाइल स्टेंट है, अगर मैं सोशल मीडिया अकाउंट करता हूँ तो ये 100% पे हो जाएगा। प्रोफाइल जरूर मेंटेन करके चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता रहूंगा इस प्रकार की टेक न्यूज टेक वीडियोस के साथ। अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरा तरीके से तैयार हूँ, फिर वो चाहे आपके PC की बात हो या आपके अकाउंट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।